2017 में जुनेद खान और हिरा मानी पहला ड्रामा सीरियल सुन यारा के लिए इकट्ठे हुए थे। खास इस सीरियल में हिरा और जुनेद की जोड़ी को ना सिर्फ सराहा गया बल्कि उस जोड़े ने एक दूसरे की अदाकारी पर इजहार ख्याल किया और इसकी वजह से वो पाकिस्तान टेलीविजन के सबसे ज़्यादा मुंतजम स्क्रीन जोड़े में शामिल हो गया। सुन यारा की कामयाबी के बाद हिरा मानी और जुनेद खान बेक वक्त तीन ड्रामों में एक साथ नजर आए। जियो इंटरटेनमेंट पर सुन यारा और मोहब्बत ना करियो। और अब जैसा कि ये खबर आ रही है, जुनेद खान और हिरा मानी एक बार फिर एक साथ हो रहे हैं, एक दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनका मुसलसल चौथा ड्रामा कशफ हम टीवी के लिए है। जुनेद खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, जब आप तफरी करते हैं तो वक्त उड़ जाता है। ठीक है, इस लड़के के साथ वक्त तेज़ चलता है। दानिश नवाज हदायतकार जो अपने फ़न को जानता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सोने के दिल वाला लड़का है। आखिरी तीनों अफराद हम सीट पर थे, सुन यारा में थे और तब से हम भाइयों की तरह दोस्त हैं। अभी अभी हम तीनों कशफ के लिए इकट्ठे हैं, मुझे खुशी है। कशफ की हदायतकारी दानिश नवाज करेंगे, जिनका हालिया ड्रामा हम टीवी पर खास ना सिर्फ नाजरीन की पसंदीदा बन गया है बल्कि उसकी मरकजी कास्ट के ज़रिए शानदार परफॉर्मेंस पर तनकीद हासिल की। अब जुनेर खान के साथ दानिश नवाज अपने तीसरे प्रोजेक्ट के लिए दोबारा शामिल होंगे। पहले दो सुन यारा और इश्क तमाशा हैं। हम कशफ के बारे में मज़ीद तफसीलात के मुंतज़िर हैं। कास्ट में हिरा मानी, जुनेर खान और सानिया हुसैन हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह निगहबान।